छोटी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी इस छोटी सी दुनिया में स्वागत है। वेनेसडे है और अभी शाम हो चुका है। देखिए बाहर भी अंधेरा हो गया है और मैं आप लोग के साथ आज बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि कल था जन्माष्टमी, आज है नंदोत्सव, हम लोग जिसे बोलते हैं। एक बंगला में कहावत है, क्या है, नंदो घरे आनंदो। आज नंदो घरे आनंदो है, मतलब उनके घर में खुशियाँ हैं, नंदोत्सव है आज। तो जन्माष्टमी का ओकेजन है तो सब कोई को हम मैं आजकल देख रही हूँ कि फेसबुक वगैरह, जो भी फेसबुक हो, इंस्टा हो, सब में सब कोई अपने अपने बच्चों को राधा कृष्ण बनाकर फोटो पोस्ट कर रहे हैं। तो फिर मेरी बेटी भी बनना चाह रही थी, पर मेरे पास उसको सजाने लायक ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उसका भी दो तीन जो भी लहंगा था ना, वो अभी छोटा पड़ जा रहा है और अभी रिसेंटली हम लोग नहीं खरीदे हैं उसके लिए लहंगा। और फिर क्या होता है, उस टाइप का मटेरियल वो पहन के कंफर्टेबल भी नहीं रह रही है। फिर देखते हैं आगे कुछ प्रोग्राम आ रहा है तो खरीद लेंगे उस टाइम उसके लिए, और अभी इसीलिए उसके पास लहंगा नहीं है। और देखिए मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, मेरी बेटी बैठकर पढ़ाई कर रही है और मैं उसके पास बैठकर बातें कर रही हूँ आप लोग से। मैं बोल रही हूँ कि जन्माष्टमी का त्यौहार है, भूल जाती हूँ बीच बीच में, अगर कुछ दूसरा बात कर लेती हूँ ना, भूल जाती हूँ। तो इस हिसाब से मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी भगवान कृष्ण का फोटो। तो ये है बाल गोपाल, दोनों का बात कर रही हूँ, दो दो बाल गोपाल से मिलाऊँगी। और कौन है ये लोग, ये लोग मेरे कौन लगते हैं, सब बताऊँगी आप लोग को, बस आप लोग मिल लीजिए। और इतना क्यूट बाल गोपाल, मैं शायद नहीं पता कि मैं अपना मैं तो नहीं देखी थी कि इतना क्यूट बाल गोपाल कोई बन सकता है, मतलब दिख भी सकता है। दोनों का दोनों ही, कोई किसी से कम नहीं। मैं आप लोगों को मिलाऊंगी और बताऊंगी ये लोग कौन है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, देर सगरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम। और आप लोग देखे ना ये बाल गोपाल दोनों को, तो आप लोग बताइएगा कैसे लगे दोनों आप लोगों को। तो फिर ये दोनों हैं, अभी बता देती हूँ, ये दोनों हैं जो पहले देखे जिसका फ़ोटो, वो है मेरी दीदी का बेटा, उसका नाम सिद्ध है। और छोटा वाला जो देखे वो है मेरी छोटी बहन का बेटा, उसका नाम जीत है। तो सिद्ध और जीत दोनों ही बाल गोपाल बने थे और दोनों ही काफ़ी क्यूट लग रहे थे। मुझे तो लग रहा था जैसे कैलेंडर वगैरह में रहता है ना, हम लोग घर में फ़ोटो रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से लग रहे थे दोनों। और मुझे याद है कि हम लोग तो पहले तो ये सब नहीं होता था, घर पर ही घर का कपड़ा से ही तैयार कर लेते थे घर में, अगर छोटा बच्चा है तो। नहीं तो आजकल इतना अच्छा अच्छा कस्ट्यूम मिल गया है ना कि सब कोई पूरा सेट मिल जाता है मार्केट में, कि आपको ऊपर का जो रहता है। मुझे इतने प्यारे लगे दोनों, मैं आप लोग के साथ शेयर किए बिना नहीं रह पाई। तो वो हो गया हम लोग का जन्माष्टमी का, कृष्ण भगवान से मिला दी, छोटे छोटे बच्चे तो आखिर भगवान का ही रूप होते हैं। तो और इन छोटे छोटे बाल गोपाल के लिए तो लाइक तो बनता ही है, और मुझे तो बहुत क्यूट लगे दोनों। आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अभी जैसे हम लोग के यहाँ वहाँ क्या होता है, कुछ भी प्रोग्राम त्यौहार कुछ भी हो, पीठा हम लोग का बनेगा ही बनेगा, जो उड़द दाल हो या फिर सूजी का हो या फिर चावल का आटा का हो, वेराइटी त्यौहार में वेराइटी पीठा बनता है। तो उसमें से एक मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। पहले भगवान श्री कृष्ण का रूप से मिला दी, और भगवान का जो ये होता है पूजा पाठ जो भी होता है हम लोग के यहाँ, पीठा ये बनने का मतलब रहता ही है। कुछ भी जो लोग उड़ीसा बंगाल में इतना पीठा बनता है कि नहीं, हाँ बनता है बहुत कुछ नहीं, पर उड़ीसा में तो खास पीठा तो बनेगा ही बनेगा। तो ओड़िया जो है वो लोग जानते होंगे कि पीठा कितना मायने रखता है सबके घर में। अभी मैं
जाऊंगी पिठा बनाने के लिए, उससे पहले बता दूंगी आप लोग में से अगर मेरे चैनल में कोई नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से एक लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन है घंटी वाला, उसको ऑल कर दीजिए जिससे कि मेरा हर आने वाला का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप हर आने वाला वीडियो का मजा ले सकेंगे। तो अभी चलिए चलते हैं फाइनली किचन में और बनाते हैं पिठा। तो क्या पिठा बनाऊंगी किचन में जाकर ही आप लोग को बताती हूँ। मैं अभी किचन में आ गई, बोल रही थी आप लोग को पिठा जो है क्या पिठा बनाऊंगी बताऊंगी आप लोग को किचन में जाके। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए ये है उड़द दाल, साथ में जो हम लोग रेगुलर राइस यूज करते हैं वो वाला चावल है, और साथ साथ है इसमें अरवा चावल। तीनों को मैं सेम क्वांटिटी में बॉयल बोल रही हूँ भिगो के रखी थी कम से कम 6-8 घंटा के लिए, या फिर ओवरनाइट आप रख सकते हैं, वैसे ही मैं रख दी थी। फिर उसके बाद जैसे ही वो अच्छे से फूल गया ना रात भर में, तो उसको मैं दोपहर टाइम हम लोग लंच करने के बाद ही मैं इसको पेस्ट बनाकर ग्राइंडिंग करके रखी हूँ, और ये हो गया 2-3 घंटा ही, बहुत लेट में ही मैं इसको ग्राइंडिंग करके रखी हूँ। मतलब जैसे मैं लंच करने के बाद सारा काम ख़त्म की उसके बाद ही मैं इसको ग्राइंडिंग की हूँ देखिए। और ये अच्छे से अभी फूल चुका है, तो मैं तब नमक इसमें नहीं डाली थी, बस नमक डाल रही हूँ। आप लोगों को कितना क्या क्वांटिटी में भिगोने के लिए रखी थी वो दिखाना बस भूल रही हूँ, यहाँ पर भूल नहीं रही हूँ, वो मैं तब रिकॉर्ड ही नहीं की थी। मुझे लग रहा था कि मैं ग्राइंडिंग करने के बाद ही आप लोग को बता पाऊंगी, फिर लगा तो वो तो अगर आप लोग को दिखा देती तो ज़्यादा अच्छा होता। खैर आप लोग को फिर बाद में कभी बनाऊंगी तो उसका कितना क्या क्वांटिटी चाहिए मैं आप लोग को बता दूंगी। पर हाँ अगर आप इसको ट्राई करोगे ना तो ज़रूर से जैसे उड़द दाल 1 कप लेते हो तो सेम क्वांटिटी में आप लेते हो रेगुलर राइस, जो फिर अगर आप हम लोग जो खाते हैं रेगुलर राइस एक ठो होता है अरवा चावल और एक ठो क्या बोलते हैं उसको उसना क्या बोलते हैं हमको मुझे नहीं पता, तो फिर वो वाला चावल ना तो बराबर ले लीजिएगा 1 कप अरवा 1 कप वो उसना जैसे बोल रही हूँ मैं उसको, और 1 कप उड़द दाल, तीनों को पूरा बराबर क्वांटिटी में आप भिगो के रख दीजिए, फिर उसको ग्राइंडिंग कर लीजिए और अभी इसको हम लोग बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं ये जो पेस्ट बना कर रखी थी तो उसके ऊपर मैं अभी डाल दे रही हूँ 1 चम्मच चीनी, 1 से 1.5 चम्मच बस डाल देना है, और साथ में मैं डाल देती हूँ नमक। मैंने टोटली इसमें नमक पहले यूज नहीं किया था तो इस हिसाब से मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ। और देखिए यहाँ पर मैं एक अदरक का टुकड़ा ली हूँ जिसको कि मैं उसके ऊपर ग्रेट कर दे रही हूँ। आप चाहें तो आपके पास नारियल होगा तो फिर आप नारियल को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। इस तरह से मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ अदरक, अदरक देने से ना पूरा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसको हम लोग अभी मिला लेंगे, ये नमकीन बनेगा, इसको कोई भी खा सकते हैं, जैसे मीठा होने से जो डायबिटीज पेशेंट रहते हैं या फिर बहुत कोई मीठा चीज पसंद नहीं करते हैं तो आप इसको बनाकर सबको दे सकते हैं, घर के सबको ही को बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर इसको हम लोग अच्छे से थोड़ा फेंट लेंगे, और आप अगर इसको इस तरह बैटर तैयार करके कुछ बहुत ही कम टाइम के लिए रखते हो, जैसे 1-1.5 घंटा के लिए रखते हो, तो फिर अच्छे से फेंट लेने से भी ये बहुत अच्छे से फूल जाएगा। तो मैं अभी इसको 2-3 घंटा से के लिए रख दी थी ना, तो इस वजह से मेरा अच्छे से फूल चुका है और मुझे ज़्यादा फेंटने का जरूरत नहीं है, मैं बस पर हल्का सा फेंट ले रही हूँ इसको। और इसमें हम लोग बेकिंग सोडा वगैरह कुछ यूज नहीं करेंगे, ऐसे में भी ये बहुत अच्छा होगा। तो मैं अभी इसको अच्छे से 1-2-3-4 बार फेंट लूंगी, फिर इसको बनाने के लिए रख दूंगी, फिर दिखाती हूँ आप लोग को फेंट लेने के बाद। और ये देखिए बैटर कुछ इस तरह का रहेगा, अगर आप थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बनाते हो ना बैटर को तो फिर इसमें हल्का सा पानी डाल के कुछ इस तरह का बना लीजिएगा, और बहुत पतला भी करने से हम लोग का जो पीठा बना रहे हैं हम लोग, या फिर आप इसको ना क्या बोल सकते हो नमकीन केक जैसा ही बनेगा बिल्कुल ये, तो फिर इसमें इस तरह का ही बैटर चाहिए, ठीक है, तो फिर आप लोग इस तरह से ही रखिएगा। तो चलिए इसको अब बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं एक कढ़ाई ली हूँ जिसमें कि मैं
तेल डालती हूँ। 3-4 चम्मच तेल जरूरत होगा क्योंकि ये जो है कढ़ाई में ही डायरेक्ट बनेगा, इस हिसाब से हमें 3-4 चम्मच ऑयल जरूरत होगा। मैं इसमें रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ। तो ये जो बैटर है अभी हम लोग डायरेक्ट ऑयल में दे देंगे। ऑयल जो है गर्म हो चुका है तो अभी हम लोग डायरेक्ट ऑयल में ही डाल देंगे। और इसको अभी हम लोग लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे और इसको ढककर कुछ टाइम के लिए हम लोग छोड़ देंगे। तब तक मैं जाऊंगी अपना दूसरा काम सब करने। और यहाँ पर आ गई हूँ, देखिए मैं ये कल सुबह ही लाए थे ये सब सामान बाजार से, स्नैक्स वगैरह है जिसमें बिस्किट है, मिक्सचर है, सेव है और आपका चिप्स है। साथ साथ ये लाए हैं एक ठो अलग तरह का समोसा है जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स का मतलब फीलिंग्स है अंदर। और ये सब में चींटी लग गया है क्योंकि मैं कल सुबह ही इसको रख दी थी। इसमें से गांठिया टाइप का था, उसमें से मैं वहाँ से निकाल के ले गई थी पर पता नहीं इसमें कैसे चींटी लग गया, तो उसको मैं झाड़ के अभी रख रही हूँ फिर लेके। इतना तो मेरे पास डब्बा नहीं है कि सबको कंटेनर में भर के रखूँ, तो फिर भी मैं कुछ कुछ को डब्बा में डाल दूँगी, लगेगा कि जो फटा हुआ है। तो साथ साथ ये आया था हम लोग का चावल का आटा और साथ में जो बासमती बड़ा वाला राइस रहता है ना वो वाला। और इस टाइम देखिए हम लोग लिड को निकाल देते हैं। मैंने इसको करीबन 7 से 8 मिनट के लिए ढककर पकाई एक तरफ से, ये एक तरफ से पक चुका है तो अभी हम लोग रख देंगे और अभी इसको हम लोग पलट देंगे। ये देखिए मैं इसको उठा के ले आई, कितना अच्छा से निकल आया ना क्योंकि इसमें ऑयल अच्छा से दिया गया है तो इसी वजह से। और इस तरह से एक तरह से जो है बन गया है और कलर कितना अच्छा आया है ना। तो एक तरह से कलर देने के बाद फिर हम लोग इसको ढककर फिर से 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए। और ये देखिए अभी हम लोग इसका लिड को निकाल देते हैं और चेक कर लेते हैं। ये देखिए बन गया ना। तो इसको अभी हम लोग कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, 15-20 मिनट के लिए ठंडा हो जाएगा ना, फिर उसके बाद हम इसको पीस करेंगे। मैं इसको प्लेट में रख दूंगी अभी। और ये देखिए अभी हम लोग का पिठा जो है ठंडा हो चुका है तो इसको अभी हम लोग काट लेंगे। जैसा आपको मन है, आप जैसा पीस चाहते हो ऐसे ही कर लीजिएगा। बिल्कुल केक की तरह बनता है, ये देखिए कितना स्पॉन्जी बना है। और ये देखिए हम लोग का पीठा पूरी तरह से तैयार है। मैं इसको काट चुकी हूँ, अभी हम लोग खाएंगे इसको। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो फिर जरूर घर पर इसको ट्राई कीजिएगा। देखिए कितना स्पॉन्जी है ना, बहुत स्पॉन्जी। और खाने में भी ये बहुत अच्छा लगता है, सबको इसको खा सकते हैं। आप जरूर से इसको घर पर ट्राई कीजिएगा। तो बन गया मेरा पिठा, आप लोग को कैसा लगा जरूर से मुझे बताइएगा। आज काफ़ी गर्मी है और यहाँ किचन में नहीं रहूँगी, ये पहले अभी हम लोग खा लेंगे थोड़ा सा, फिर लेट नाइट में ही हम लोग कुछ खाएंगे, तभी इसकी कहीं छिलका बनाऊँगी। उसको रखी हुई हूँ फ्रिज में और अभी मैं जाऊँगी, थोड़ा थोड़ा काम है ये सब कर लेती हूँ और ये सब करने के बाद जाऊंगी फिर बेटी को पढ़ाऊंगी, क्योंकि अभी बच गया आपका 7-5-10 हो गया होगा। बेटी को पढ़ाने के बाद ही मैं फिर आऊंगी किचन में डिनर बनाने के लिए। तो आज के लिए यहीं पर बाय बाय करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक लेटे केयर, बाय बाय।